बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ से निजात दे। इसे दुआ देना, आज दिन वीडियो शुरू कर दें। शुरू करने से पहले छोड़िए एक रिक्वेस्ट कर दें, जिस बहन भाई ने साजिदा फैमिली लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो, ताकि सारी आने वाली हर वीडियो तौर टाइम तक पहुँच सके। जिमें कि सारी भैन भाइयों से पहले शेयर कर चुके हैं कि मैं जा रहा सी सेम अज दवाई लैन वास्ते। मैं सी ऐशा सी ते ऐशा दी अम्मी सी, असं हाले घरों निकले से, थोड़ा रास्ता क्रॉस किया से, अगर साडा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट काफ़ी शदीद होया, बच्चा एक छोटा जहाँ सी रोड के मोटरसाइकिल के अगे आ गए। अस बच्चे भी काफ़ी मन चोटा लगिया से, साढ़े भी काफ़ी चोटा लग गई सी, तो मोटरसाइकिल का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया सी। बाकी अपनी मैं दवाई शवाई लै रहा, इन्ना ज़्यादा चल तो नहीं आता, ना गोडे वजन पैंता है, कोई नहीं मजबूरी है। फिर दोस्त एक आया से, वह मैं जा रहा मोटरसाइकिल ठीक कराने वास्ते। मैं कह मोटरसाइकिल ठीक करा रहे, जो जो उत्थे काम होने वाले वो कराइए, नाल वो भी असं अपने भैन भाई शेयर करिए। बाजी मरीजों भी काफ़ी चोटा लग गई सी, ऐशा ने भी लग गई सी, सब तो ज़्यादा चोटा मैनू लगिया सी, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा से, मेरे पिछे बैठा सी ये दूसरा बाजी मरीजा तो ऐशा। माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, वह भी अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दे। हम मैं जा रहे जी मोटरसाइकिल का काम कराने वास्ते, मोटरसाइकिल का काम कराने हैं, जो जो काम होगा वो भी असं अपने भैन भाई शेयर करते हैं। अगर जो सूरत हाल होगी वो दिखाना। दो चार दिन, दो तीन दिन हो गए दसिया से अपने भैन भाई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया सी, मोटरसाइकिल की हेडलाइट टुट गई सी मुकम्मल। उस तो अलावा अगला वीर भी टेढ़ा हो गया सी, इत्थे पैदान लग्या होया सी जिन्हों सेफगार्ड कहिंदे आ, वो भी टुट गया सी। बाकी पिछले वीक दियां कुछ तारां सी, क्योंकि ऐशा वगैरह पिछे बैठे सी, इस वास्ते काफ़ी नुकसान होया है। उस तो बाद बैक बत्ती भी टुट गई, तो इस साइड वीर रगड़ शगड़ आ गई सी। उस तो अलावा ये मुठ भी टुट गई, इस साइड भी काफ़ी नुकसान होया। मैं चलिया हूँ मोटरसाइकिल का काम कराने वास्ते, सब तो पहले मैं ये सर्विस करावगा, वो भी अपने भैन भाई शेयर कर दें। फिर जो जो ये काम होएगा, जो होंगे फिर वही से अपने भैन भाई शेयर कर दें। लो जी सर्विस पंप पर पहुँच गए हैं जी, इतों मोटरसाइकिल की सर्विस कराने। सर्विस कराने बाद फिर इलैक्ट्रीशियन को लेके जावा, एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर इतने सर्विस पंप लगे हुआ है। भाई आ गया सर्विस करने वास्ते, लगन जी जी सर्विस, जिमें सर्विस होगी वो भी असं अपने भैन भाई शेयर कर दें। लो जी भाई आ गया, सर्विस करनी उन्हें शुरू कर दी है। पानी पहले मारता सी, इन साफ ना साफ कर देता। जो भाई लगे मैंने एक मोटरसाइकिल देख दें, जिमें सर्विस होंगी है, आज का साबन ला दें, सर्विस जिमें होंगी है वो भी असं अपने भैन भाई दिखाने। लो जी साफ वगैरह लाता उन्होंने, बस हम कह लगे बाकी गली टले साफ। लो जी जिस साइड मारता साबन मुकम्मल, इन्होंने साबन मारता साफ वगैरह, और इतने पानी मारन की जिमें सर्विस होंगी वो भी असं। साबन मार साफ वगैरह मार के हम भाई सर्विस करा दे, पानी मारन दे, उस बाद कुछ कपड़ा मारन गए तो सर्विस हो जाए। तो जी गड्डी टनल हो गई, सर्विस वगैरह करने के नाल भैया ने मेरे कर दी, और ये तो मारन लगे कपड़ा कुछ, ता कि जरा पानी शानी से वो खुश्क हो जाए। जो कपड़ा मुकम्मल मार लैन गए, फिर लेके जावे मिस्त्री को, फिर मकैनिक का काम शुरू हो जाना है। फिर जो जो ये काम होएगा वो असं अपने भैन भाई शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो नुकसान हो दौरान एक्सीडेंट नुकसान होया, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि अल्लाह ताला ने तो बड़ी मुश्किल तो बचा दिता है। कोई नहीं, मोटरसाइकिल तो आँदी जाती चीज़ है, गड्डी तो आँदी जाती चीज़ है, यदा नुकसान तो बंदा बर्दाश्त कर लेंदा है, बड़े नुकसान होने तो बच गया। अल्लाह ताला का लख लख शुक्र है। अज फिर इतवार से मैं कह जाके अपने मोटरसाइकिल की सर्विस वगैरह करा लीए, नाले काम शब जो होने वाला वो करा लीए,
ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਪੰਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਿਆਰ, ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਗੱਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਵੀਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕੈਨਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਛੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਛੱਪੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਸ਼ੈਂਡਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਪਏ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਬੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਨ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।